वेलकम टू cctvcar.com प्रोडक्ट सेल्स ट्रेनिंग। आज हम बात करेंगे गेट ऑटोमेशन सेगमेंट के अंदर स्लाइडिंग गेट्स के बारे में। स्लाइडिंग गेट्स बेसिकली सबसे पहले तो प्रोडक्ट क्या है और देन वी विल डिस्कस कि एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ ये काम आता है। बेसिकली ये एक मोटर आती है जो कि किसी भी लंबे गेट को जो कि स्लाइडिंग होता है स्लाइड होता है उसको मोटराइज कर देती है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी लंबा गेट हम रिमोट से या बटन से या एक्सेस कंट्रोल से ऑटोमेटिक ओपन और ऑटोमेटिक क्लोज कर सकते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है वो जितने भी लंबे गेट्स होते हैं वहाँ पे काम आता है। इसके अंदर अलग अलग वेट के हिसाब से मोटर्स आती हैं। फॉर एग्जांपल 600 केजी का अगर उससे कम गेट है तो 600 केजी की मोटर लगेगी, उससे ज़्यादा का है तो 1000 केजी की, फिर उससे ज़्यादा है तो 1400 केजी, फिर 2000 केजी। इस तरह से अलग अलग गेट्स आता है, अलग अलग वेट्स की मोटर आती हैं। एप्लीकेशन की बात करें तो रेजिडेंस में, फैक्ट्रीज में, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स में, रिसॉर्ट्स में एक्सेट्रा, जहाँ पे भी स्लाइडिंग गेट्स हैं वहाँ पे ये मोटर का यूज़ हो सकता है। अब इसमें बात करते हैं कि एसेसरीज क्या क्या लगती हैं। तो एक तो वो भी मोटर जो मैंने आपको बताई, ठीक है ना, रिमोट्स होते हैं जो RF रिमोट्स आते हैं वो साथ में आते हैं। फिर इनकी माउंटिंग प्लेट्स आती हैं, जनरली ये सिविल वर्क होके ये मोटर्स माउंट होती हैं, तो माउंटिंग प्लेट्स आती हैं जो सिविल वर्क के अंदर चली जाती हैं, फिर उसमें नट बोल्ट्स रहते हैं जिससे कि वो उसमें माउंट हो जाता है। उसके बाद इसमें मेटल रैक्स आती हैं। इन ये जो रैक्स हैं जो सामने देख रहे हैं आप, ये रैक्स बेसिकली पर मीटर की लेंथ की आती हैं मेटल की, और ये गेट के ऊपर लगती हैं। तो मान लीजिए आपका गेट है 5 meters का, तो ये 5 metal racks लगेंगी। इस मेटल रैक्स के मूवमेंट के हिसाब से ही आपका गेट मूव करता है। तो ये जो मेटल रैक है ये आपके गेट के ऊपर वेल्ड हो जाती हैं। ठीक है, रिमोट मैंने आपको बता ही दिया, अगर एक्स्ट्रा रिमोट हमें चाहिए तो ये रिमोट हम ले सकते हैं, बाकी 2 remote साथ में आते हैं इसके। फिर एसेसरीज में बात करें तो फोटो सेल पेयर आता है। फोटो सेल पेयर का मेन यूज है क्रैश को प्रोटेक्ट करना। क्रैश प्रोटेक्शन का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई गेट हमने रिमोट से बंद करने के लिए सिग्नल दे रखा है और गेट बंद हो रहा है, तो बीच में से कोई भी आता है तो ये फोटो सेल पेयर उसको पता लगा लेगा कि कोई बीच में है और गेट को वापस दोबारा खोल देगा, वो उसके ऊपर क्रैश नहीं करेगा। तो फॉर सेफ्टी पर्पज फोटो सेल इज रिकमेंडेड। इसके अलावा UHF रीडर्स आते हैं जो हम लगा सकते हैं ऑटोमेटिक गेट को खोलने के लिए। मान लीजिए कि कोई सोसाइटी है वहाँ पे 50 कार्स हैं और उन सभी कार्स के आने पे ये गेट ऑटोमेटिक खुलना चाहिए, तो ये UHF रीडर लग जाएगा और जो UHF टैग्स होते हैं विंडशील्ड टैग्स जो गाड़ियों के ऊपर लगते हैं इस टाइप के, तो ये गाड़ी के ऊपर लग जाएंगे और कंट्रोलर की मदद से जैसे ही गाड़ी आएगी और UHF टैग को डिटेक्ट करेगा UHF रीडर, तो वो गेट को ऑटोमेटिक खोल देगा। अब बात करते हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस की। मान लीजिए कहीं पे हमें रिक्वायरमेंट है स्लाइडिंग गेट की, तो वहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट हमें समझनी है कस्टमर से। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि व्हाट इज़ द वेट ऑफ द गेट, गेट का वेट कितना है, ये हमको आइडिया लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर अपने अंडर वेट मोटर लगा दी तो वो मोटर जल जाएगी। तो वेट का, गेट का जो वेट है वो परफेक्ट हमें पता होना चाहिए, प्लस जो लेंथ है कंप्लीट ओपनिंग लेंथ ऑफ द गेट वो कितना है।
उसी के हिसाब से हमें मेटल रैक लेनी पड़ेगी। तो जितना मीटर का गेट है उतना मीटर मेटल रैक ली जाएगी, ठीक है ना। इसके अलावा वो गेट को कैसे खोलना चाहते हैं, वो आप रिमोट से खोलना चाह रहे हैं तो रिमोट तो साथ में आ रहा है, मैनुअली खोलना चाह रहे हैं तो मैनुअल बटन लग सकते हैं। देन आप अगर UHF से खोलना चाह रहे हैं तो UHF वाली चीज़ भी हमें साथ में किट देना पड़ेगा, या किसी और एक्सेस कंट्रोल सिस्टम के साथ खोलना चाह रहे हैं तो वो सिस्टम देना पड़ेगा। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है और उस हिसाब से हमें उसको सजेस्ट करना पड़ेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स।